किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने की अपने प्रदेश कार्यालय पर एक महापंचायत। काफी किसान मौजूद रहे, कहा जो किसान हित की बात करेगा उसी को किसान समर्थन करेगा। अभी तक इस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है, इसलिए महापंचायत करनी पड़ी। 4 बजे तक पहुंचेंगे केंद्रीय राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल महापंचायत में। है भारतीय किसान भानु की मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए। 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, वो कर्जे सब माफ किए जाएं और बिजली किसानों को 18 घंटे फ्री दी जाए ट्यूबवेलों के लिए जिससे सिंचाई होती है। और एक मांग है कि भारत देश के समस्त किसान नेताओं, सबसे पहले मेरी भानु प्रताप सिंह की, फिर राकेश टिकैत की, गुरनाम चंदूनी की, योगेश यादव की, जितने किसान नेता हैं सबकी सीबीआई जांच की जाए और जो संपत्ति अवैध मिले उसको सरकारी खजाने में और नेता जेल में डाला जाए। 3 मांगों का पूरा नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय किसान भानु की इज्जतबद्ध फिरोजाबाद के इमिलिया उमरगढ़ पे पंचायत जारी रहेगी। 2 महीने बाद चुनाव है, जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। यदि चुनाव से पहले हमारी मांगे मान ली जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में सरकार जो वर्तमान है उसको बना दिया जाएगा और नहीं माने तो हरी झंडी लैंड साहब। आज प्रतिनिधि आ रहे हैं और हमें सुबह मालूम पड़ा है कि हमारे यहाँ लगभग 3:30 बजे माननीय एसपी सिंह बघेल, जो भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।